ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों के अपनी पार्टी छोड़ कांग्रेस में शामिल होने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की रविवार को जयपुर में हुई प्रदेश स्तरीय बैठक में जमकर हंगामा हुआ। हंगामा इतना जोरदार हुआ कि कार्यकर्ताओं के 2 गुटों में आपस में गाली गलौज के साथ जमकर लात घूंसे चले। यहाँ तक कि कुछ कार्यकर्ताओं ने सरिये से बसपा प्रदेश महासचिव प्रेम बारूपाल का सिर फाड़ दिया। इस संदर्भ में सिंधी कैंप थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम की अध्यक्षता में पार्टी ने रविवार को जयपुर कार्यालय में एक अहम बैठक बुलाई। इसमें हाल ही में पार्टी के 6 विधायकों के कांग्रेस में जाने के बाद कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने के साथ ही आगामी सियासी समीकरण पर चर्चा होनी थी। बैठक में बसपा के तय एजेंडे को छोड़कर जो हुआ वो अकल्पनीय रहा। बैठक की शुरुआत में ही कार्यकर्ताओं के आक्रोश के चलते हंगामा होने लगा। अधिकांश कार्यकर्ताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप जड़ दिया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि पार्टी प्रेशर के चलते विधायक कांग्रेस में शामिल हुए हैं। सूत्रों की माने तो बैठक शुरू होते ही कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों के समर्थक रहे कई कार्यकर्ताओं ने बसपा के राष्ट्रीय समन्वयक रामजी गौतम, प्रदेश प्रभारी भगवान सिंह बाबा के खिलाफ नारेबाजी शुरू की। बैठक में पूरण परनामी सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। उनका कहना था कि बसपा के लिए मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही है। पार्टी द्वारा टिकट देते समय कार्यकर्ता या लोकल पदाधिकारी से बात तक नहीं की जाती है। बसपा पार्टी को गालियां देने वालों को रुपए लेकर टिकट देती है, इससे कार्यकर्ता की उपेक्षा होती है। पार्टी सुप्रीमो मायावती तक कार्यकर्ताओं का सही संदेश नहीं पहुंचाया जाता है। इसके बाद दूसरे पक्ष के कार्यकर्ता पूरण परनामी और उनके समर्थक कार्यकर्ताओं का विरोध करने लगे, जिससे मामला बढ़ गया और दोनों ओर से कुर्सियां फेंकनी शुरू हो गई। देखते ही देखते गुटों में गाली गलौज के साथ साथ लात घूंसे चलने लगे। इसी बीच कुछ लोग सरिये लेकर आए और प्रदेश महासचिव बारूपाल पर वार कर दिया। बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम, हरी सिंह, विजय प्रताप और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा से भी हाथापाई की गई। सिर में चोट लगने से प्रेम बारूपाल घायल हो गए। इससे बैठक में अफरा तफरी मच गई। बसपा नेताओं की सूचना पर सिंधी कैंप थाना पुलिस मौके पर पहुंची। बाद में पुलिस की मौजूदगी में बैठक हुई। वहीं घायल प्रदेश महासचिव बारूपाल का प्राथमिक उपचार करवाया गया। बारूपाल ने प्रदेश अध्यक्ष सीताराम मेघवाल के साथ जाकर सिंधी कैंप पुलिस थाने में पूरण परनामी, विजेंद्र बंटी, राजेंद्र बुनकर सहित करीब 1 दर्जन पूर्व पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं पर हंगामा व मारपीट का केस दर्ज कराया। इस संदर्भ में बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम ने कहा कि पार्टी से निष्कासित कुछ नेताओं ने विवाद खड़ा किया है। इनमें से कुछ लोग दूसरों के इशारे पर विवाद खड़ा करने आए थे, उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करवाई जा रही है। वहीं पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने कहा कि कुछ लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की, जिन्हें बसपा कार्यकर्ताओं ने कार्यालय से बाहर खदेड़ दिया। गौरतलब है कि बसपा में भ्रष्टाचार और पैसे लेकर सेवा करने के आरोप पहले से लगते आ रहे हैं। हाल ही में बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक राजेंद्र गुड़ा ने विधानसभा के बजट सत्र में कहा था कि बसपा सुप्रीमो मायावती के राज में बगैर पैसा दिए कोई पद और कोई टिकट नहीं मिलता है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।